नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मेरी ये वीडियो है रिलेटिंग जो मरीन इंडस्ट्री है, शिपिंग लाइन है, इसके रिलेशन से है। तो अगर आप शिपिंग लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो जरूर ध्यान से देखें। जैसा कि स्पॉन्सरशिप वगैरह के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं है वो आपको मर्चेंट नेवी की सच्चाई बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कईयों को लगता है मर्चेंट नेवी जाने से पहले कि वो उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, तो ऐसा नहीं है। मर्चेंट नेवी प्राइवेट जॉब है, ये एक प्राइवेट संस्था है। जिनके मन में ये डाउट है कि वो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो उनका डाउट बिल्कुल गलत है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लड़के होते हैं। अब प्राइवेट में भी ये किस तरह की प्राइवेट है, एक तो प्राइवेट जॉब होती है कि जैसे हम मान लो इंजीनियर है, सुबह ऑफिस गए, शाम को आ गए और एक ही कंपनी में काम करते हैं, 10 साल 8 साल बाद हमारा ट्रांसफर होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब होता है। यहाँ पे दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब हर किसी के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कैटेगराइज किए हुए हैं। वहां आने से पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूंगा आपको। यहाँ पे आपकी जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भले ही मैं हूँ, भले ही कोई भी हो, जॉब की सिक्योरिटी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मेडिकली फिट हैं तभी आपकी जॉब सिक्योर है। आप शिप पे वेल परफॉर्म करते हैं, अगर आप शिप पे कोई गलती करेंगे, कोई मेजर गलती करेंगे, मेजर इंसिडेंट होगा, तब भी आपकी जॉब सिक्योर नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। दूसरा, जॉब सिक्योर में और भी सारे कई फैक्टर आते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने जा रही है। सो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो सोचते हैं कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी की तरह मर्चेंट नेवी है, तो ऐसा नहीं है। परंतु इस जॉब के फायदे भी हैं। फायदे ये है कि जैसे कि आपका मान लो 5 या 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद आप अपनी मर्जी से घर पे रहते हैं। दूसरी जॉब में ऐसा नहीं है, अगर सुबह 8 बजे गए या 9 बजे गए तो शाम को आप 5 बजे आए तो वापस नेक्स्ट डे आपको जाना पड़ेगा, कंटिन्यू 1 ईयर तक जाना पड़ेगा। वहां पे क्या है, वहां पे अदर होलीडेज है, लाइक संडे को आपकी छुट्टी हो गई, तो यहाँ पे भी जैसे क्रू वगैरह है तो उनको संडे को रेस्ट दिया जाता है, वो शिप पर ही रहता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, जिनको शिप पे रहने की आदत हो गई है या शिप की जो जॉब कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको दूसरी जॉब करने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो शिप की जॉब से वेल फैमिलियर हो गए हैं। दूसरा चीज ये है कि जैसा कि जो यहाँ पे सैलरी मिलती है वो बाकी शोर में मिलना बहुत टफ है। इसके लिए फिर वो शिपिंग में एक बार जब आप आ जाते हैं तो ये छोड़ना बहुत टफ और एक चैलेंजेस हो जाता है। सपोज दैट कोई थर्ड ऑफिसर या सेकेंड ऑफिसर है, जैसे ही वो थर्ड ऑफिसर सेकेंड ऑफिसर बना, वो 2-2.5 लाख रुपए कमाना चालू कर देता है एट द एज ऑफ 21-22। बट वही अगर वो बाहर करेगा इंजीनियरिंग करके, नॉर्मल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, IIT की नहीं, अगर IIT करते तो वेल एंड गुड, उनके पैकेजेस भी बहुत हाई होते हैं। बट अगर वही एक नॉर्मल जॉब कर रहा है तो इट इज रियली वेरी टफ कि आप शिपिंग को छोड़ के फिर वापस ज्वाइन करोगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ। अब आइए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज ये है दोस्तों, आपको कंट्रीज घूमने को मिलता है फ्री में, आप घूम रहे हो। जैसे मान लो मेरा शिप स्पेन गया, तो मैं स्पेन में मेरा शिप पोर्ट पे 2-3 दिन रुका है, तो मैं बाहर जाके थोड़ा सा स्पेन घूम के आ गया। इसी तरीके से यूरोप घूम लिया, ब्राजील घूम लिया, US घूम लिया, चाइना घूम लिया। हालांकि अभी बंद है, अभी मत सोचिए कि कोविड में ऐसा है, मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, और कोविड की जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी उसके बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन वही आप अगर दूसरी जॉब में करते हैं तो आपको घूमने को मिल सकता है, पर एक पर्टिकुलर कंट्री में, ऐसा नहीं कि अलग अलग कंट्रीज में आपको जाने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा एक ग्रेट एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों कि आप घूमने के साथ साथ आप मनी भी अर्न कर सकते हो। जो आपकी सैलरीज होती है वो शिपिंग लाइन में थोड़ा डिफरेंट होती है बाकी जॉब से। अगर वही आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आजकल तो सैलरियां बहुत हाई हो गई है शोर में भी, बट डिपेंड करता है, वहां पिकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ पे आपको एग्जाम वगैरह पास करके आप अच्छा रेट, अच्छा अमाउंट में आपको वेजेस आना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा फायदा ये होता है, जैसा कि मैंने बताया अभी 5-6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी के हिसाब से घर पर रह सकते हो, मतलब 2 महीना रहना है, 3 महीना रहना है, 4 महीना रहना है। और एक बड़ा एडवांटेज ये है कि शिप पे अगर मान लो आपकी किसी से नहीं बनती है या किसी से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो वो 4-5 मंथ ही आपको एडजस्ट करने, उसके बाद फिर आपको अनदर
मतलब स्टाफ मिलेगा, उनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी। तो ये फायदे हैं जो कि मैंने आपको बताया। एंड सबसे बड़ा फायदा है कि ये पूरा जो है वाइट मनी होती है। दूसरा, आपकी ऑनेस्ट ईमानदारी का पैसा होता है, जो कि सबसे बड़ा मैटर करता है, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि बेईमानी से झूठ मकार और इधर उधर की बातें करके वो पैसा कमाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अब आइए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, जॉब सिक्योर नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, अगर आज मेरा बीएमआई हाई हो जाए, ओवर 32-33, तो कंपनी मुझे नहीं देगी जब तक मेरा बीएमआई ठीक ना हो जाए। इसी तरीके से मुझे दूसरी कोई प्रॉब्लम हो गई, मान लो मैं मेडिकली अनफिट हो गया, तो जॉब सिक्योर नहीं है। जब तक मैं मेडिकली फिट नहीं होऊंगा, कंपनी नहीं लेगी, ये आप मान के रख लीजिए। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। सेकंड, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही वो असाइन होता है, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वापस से आपका मेडिकल होगा, वापस से सारे चेकअप होते हैं, फिर अगर कुछ गड़बड़ आ गई तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बाहर की जॉब में लीवे मिल जाता है, बट यहाँ ये लीवे नहीं है। तीसरा एडवांटेज दोस्तों ये है कि आप चाहोगे कि इमिडिएटली मैं घर चला जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको सब नोटिस देना पड़ता है, आपको कुछ नोटिस देना पड़ेगा, या शिप को पोर्ट पर पहुंचने में टाइम लगता है। अगर मैं अटलांटिक क्रॉस कर रहा हूँ, 45 डेज की सेलिंग है, तो कैसे आप कहोगे कि कल आ जाए भैया, परसों आ जाए, चाहे 4 दिन बाद आ जाए। रियलिटी इज वेरी टफ। अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ इमरजेंसी शिप पे हो जाती है, तो हम पोर्ट ऑफ रिफ्यूज लेते हैं, मतलब शिप को डाइवर्ट करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं और वहाँ पे साइन ऑफ कराते हैं। उसके लिए भी काफ़ी पेपर वर्क होता है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है दोस्तों। एंड मेडिकली फिट मैंने इसलिए बोला क्योंकि शिप पे नॉर्मली सेकेंड ऑफिसर जो होता है वो होता है डॉक्टर, ऐसा कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता नहीं है। इसके लिए हमें बहुत फिट होके पहले से जाना पड़ता है, और शिप पे लिमिटेड मेडिसिन होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप एलोबरेट करोगे, तो वो चीज़ नहीं है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज ये है कि आप फैमिली को ऑल द टाइम मिस करते हो। दूसरी जॉब में क्या है, आपकी सैटरडे संडे छुट्टी है, आप आए फैमिली के साथ रहे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये सारे फायदे, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, अगर सबका निचोड़ निकाले तो आप एक एवरेज करके आई विल से कि दिस जॉब इज गुड। बट उसके लिए है, देखो मैं ये बताऊंगा कि अगर आपने शुरू से एक एम बनाया कि भैया मुझे यूपीएससी करना है, तो अपना एक टारगेट रखें। ये जॉब आपके लिए तब तक है जब तक आप मेडिकली फिट रहोगे, हर तरीके से आप कंपनी में वेल मतलब अपनी परफॉर्मेंस दोगे, आपसे कोई ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट ना हो जाए, ये सारी चीज़ें फैक्टर करती है। और ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शिप पे, हर शिप पे आपका अलग अलग अप्राइजल रिपोर्ट बनता है, वो आपकी कंपनी में जाती है, उस हिसाब से कंपनी फिर उसे रिव्यू करती है, रिव्यू करने के बाद फिर वापस आपको अगले शिप पे असाइन करती है। तो हो सकता है शोर की जॉब में भी ऐसा हो, बट मैंने तो शोर की जॉब ज़्यादातर की नहीं है, शिप पे ही ज़्यादा मैंने मतलब मुझे आइडिया है। तो गाइज मेरी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, आप उन लोगों को शेयर करना जो मर्जी ने भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बिकॉज दीज नॉलेज ज्वाइन कर, ये चीज़ लेने से पहले वो ज्वाइन ना करे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर जो मान लो जिनके मेडिकल में प्रॉब्लम है, या फिर जो फैमिली को लेके बड़े हैं, तो ये सब चीज़ें फैक्टर करता है। रही बात फैमिली कैरेज की, तो यस, आप सीनियर ऑफिसर बनके अपनी फैमिली कैरेज कर सकते हो, सम कंपनीज अलाउइंग जूनियर ऑफिसर ऑल्सो, बट अभी कोविड में बंद है वो, मेरे कोविड को हमेशा एक्सक्लूड कर देना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हर कंट्री घूम सकते हो तो कोविड में भी घूम सकते हो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना जो मैंने बताया है। तो फैमिली कैरेज का भी मैंने बताया, सीनियर ऑफिसर कुछ कंपनीज देती हैं एक्सपेंसेस, कुछ नहीं देती है। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप घर से शिप ज्वाइन करते हो, सारा खर्चा आपका कंपनी उठाती है। अगर मान लो आपने इनिशियली में कोई टैक्सी किया या कोई गाड़ी की, तो आप बाद में उसका क्लेम कर सकते हैं। एंड US वीज़ा वगैरह आप अप्लाई करते हैं, जो क्लास C1D वीज़ा होता है, इनिशियली आपको पे करना होता है, बट बाद में क्लेम करने पे कंपनी आपको रिफंड कर देती है। तो ये सारे फायदे हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं। एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आप शिपिंग में सक्सेसफुली कैप्टन बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं, चीफ इंजीनियर बन जाते हैं, तो बाद में शोर जॉब लगने के चांसेस होते हैं। और एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जैसे आपने BSc नॉटिकल साइंस कर लिया, उसके बिहाव पे आप कोई भी UPSC का एग्जाम दे सकते हो, आपको डिग्री मिल जाती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज से करीबन 15-20 ईयर पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, तब 3.5 मंथ्स का कोर्स होता था, प्री टेक कैडेट कोर्स, BSc की डिग्री नहीं दी जाती थी।
थी, उसके बाद इग्नू ने टेक ओवर किया, तो इग्नू ने ये स्टार्ट किया डीएनएस लीडिंग टू बीएनएस। बाद में 2009 के बाद 2004 जून में या अगस्त वाले में इग्नू ने टेक ओवर किया था, उसके बाद 2009 में फिर उसे आईएनयू ने टेक ओवर कर लिया, तब से ये सारी फैसिलिटीज आ जाती है। तो दोस्तों होपफुली मेरी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपकी जो है काफ़ी हेल्प करेगी जो बंदे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। और आपके अगर कोई रिलेटिव हैं या कोई रिलेशन में है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर करिएगा ताकि उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल जाए, सो डैट उनको ये पता चल जाएगा कि क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेज है। प्लस दूसरा, अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है। किसी तरीके का किसी टाइप का आपको मन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख के भेज सकते हैं, आई विल रिप्लाई देयर। अगर वहाँ रिप्लाई नहीं करता तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर आऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए थॉट्स के साथ। होपफुली मेरी वीडियोस आपको बहुत मतलब जागरूकता दे, सही रास्ते में ले जाए, सही डायरेक्शन में ले जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।